नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक बॉडी ली, कोई भी शेप की बॉडी ली हमने, ठीक है, रैंडम शेप की, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। क्लियर है, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया dx, जिसके ऊपर चार्ज है कितना, dq। ठीक है, अब इस स्मॉल एलिमेंट को हमने लिया, तो इस इफ एट पॉइंट p इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट चार्ज dq इज dv, देन तो dv कितना होगा, k dq बाई r, क्योंकि हमने ये जो एलिमेंट लिया है ये के लिए बहुत स्मॉल लिया है, तो इसको हम किससे कंसीडर करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल बता है वो कितना होता है, kq बाई r होता है। क्लियर है, तो P के ऊपर पोटेंशियल इस dq की वजह से कितना आ गया, k dq बाई r। अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है मुझे P होल बॉडी का P पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे हम किसकी, dv की। क्लियर है, तो dv की इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, ये जो हमारे पास क्लोज सरफेस दिया होगा, सॉरी जो हमारे पास सरफेस दिया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाई r। क्लियर हुआ, अब जिस तरह से हमारे पास बॉडी कोई दी होगी, उस बॉडी के लिए हम जो लिमिट्स हैं वो पुट कर सकते हैं और उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जब हमारे पास डेफिनेट शेप की कोई बॉडी गिवन होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी की। क्लियर है, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसकी एक्सियल पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट पी दे रखा है एक्सिस के ऊपर, जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस रॉड की वजह से। ठीक है, इस रॉड के दो एंड ए वी, चार्ज इसके ऊपर क्यू दे रखा है, एल इसकी टोटल लेंथ है। अब बी पॉइंट, बी जो एंड है, उस एंड से ये पॉइंट पी कहां पे है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट डीएक्स लिया। ठीक है, अब देखो हमें तरीका पता है कि किस तरह से हम एक्सटेंडेड बॉडी की, जो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं उनकी वजह से पोटेंशियल किस तरह से निकाल सकते हैं, तो हम वही यूज करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट, इस रॉड का पूरी का। तो देखो ये डीएक्स लिया हमने, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो इस चार्ज की, इस चार्ज के ऊपर, सॉरी इस एलिमेंट के ऊपर कुछ चार्ज होगा dq, उस dq की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो चार्ज ऑन एलिमेंटल dq कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू q बाई एल, दैट इज dx, q बाई एल इंटू dx। ठीक है, देखो ये किस तरह से होता है, हमें पता होता है कि लैम्डा, ये क्या है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे, लैम्डा से। लैम्डा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी स्मॉल एलिमेंट के लिए भी और टोटल रॉड के लिए भी। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि वो dq निकाल सकते हैं उस dx के लिए, तो dq कितना हो गया, ql इंटू dx। क्लियर है, तो क्या आ गया, dq आ गया हमारे पास। इफ ड्यू टू चार्ज dq पोटेंशियल एट पॉइंट p इज dv, अगर इस dq की वजह से जो पोटेंशियल है p के ऊपर वो कितना है, dv है, तो dv कितना हो जाएगा, k dq r, उस एलिमेंट से उसका डिस्टेंस दैट इज x। तो नेट पोटेंशियल ऑफ द रॉड इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट किस तरह से जाएगी, ये जो हमारे पास जो x है, या तो ये इस पॉइंट के ऊपर हो सकता है या फिर ये इस पॉइंट के ऊपर हो सकता है। अगर ये इस पॉइंट के ऊपर हुआ तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, r है, और अगर ये इस पॉइंट के ऊपर हुआ तो डिस्टेंस कितना है इस और इस पॉइंट के बीच में, l प्लस r है। क्लियर है, तो हमने क्या करा यहां से, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स कहां से कहां गई, r टू r प्लस l। क्लियर है, और यहां पे मैंने dq की वैल्यू को डाल दिया, तो क्या बना, kx ql y ql इंटू dx, तो kq y l क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 बाई x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, log natural x लिमिट r टू r प्लस l, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, log natural अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r प्लस l माइनस log natural r, यही आएगा। तो उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, log natural r प्लस l बाई r m बाई n करके। क्लियर है, ये क्या बन जाएगा, log natural m माइनस n, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, log natural m बाई n। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द रॉड। क्लियर हुआ,